हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पाने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेशन। हम लोग लेजिस्लेशन पढ़ने वाले हैं और लेजिस्लेशन हम लोग पढ़ रहे थे सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ में आपने पढ़ा था, सोर्स ऑफ लॉ में तीन सोर्स पढ़ा था लॉ का, और उसमें आपने पढ़ा था कस्टम, लेजिस्लेशन एंड प्रिसिडेंट। तो इसमें हम लोग कस्टम प्रिसिडेंट पढ़ लिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेशन। तो देखो, लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। तो जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए ना, आपको मीनिंग लिख देना, डेफिनेशन लिख देना, काइंड्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज लिख देना, और आपका आंसर तैयार हो गया, आपको 10 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्यूरिसप्रूडेंस का एक नया टॉपिक, लेजिस्लेशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे, मैंने देखो ये कंटेंट है, आज हम लोग पूरे क्लास में इसमें बात करने वाले हैं। और मैं स्टार्ट करने से पहले आपको मैं छोटा सा बात बता दूँ, यदि आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप लॉयर प्रशांत लिख के यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। आप आराम से जाओ, इसको डाउनलोड कर लो। और यहाँ पे दो तीन चीज़ मैंने लगाई। सबसे पहले देखो, जब आप नीचे देखोगे ना, यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा नीचे में। जिस भी आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक पे जाओ। यहाँ जो आपने टॉपिक देखा ना, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाके आप पढ़ सकते हो टाइम स्टैम्प की हेल्प से। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्लो पढ़ाऊंगा, तो आप डायरेक्ट स्पीड अप करके, इसको स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हो, जिससे आपका टाइम बच जाए। क्वालिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, जिससे आपको अच्छे से देखे, और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले वर्ड है लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन, जैसा कि आपको पता है, ये कौन सा वर्ड है सर? लेजिस्लेशन इंग्लिश वर्ड, आई होप आपको पता होगा। लेजिस्लेशन इंग्लिश वर्ड है, और ये जो वर्ड है ना, ये ड्राइव हुआ लैटिन वर्ड लेगिस लैटम से। ये वर्ड देखो, ये लेजिस्लेशन आप इंग्लिश में देखो ना, लेजिस्लेशन लिखा हुआ, ये जो वर्ड है ये कहां से आया है? लैटिन वर्ड से। और लैटिन वर्ड कौन सा वर्ड से? लेजिस्लेटम। लेजिस्लेटम वर्ड से आया है। जब इस वर्ड को आप तोड़ोगे ना, ब्रोक डाउन करोगे, तो आपको दो दो वर्ड मिलेगा, लेगिस एंड लेटम। और लेगिस का मीनिंग होता है लॉ, लेगिस मीन्स लॉ, एंड लेटम मीन्स होता है टू मेक और टू सेट, सेट या फिर मेक बोलो या फिर पुट बोलो, ठीक है। अब जब इसको आप कंप्लीटिव मीनिंग देखोगे ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है? द मेकिंग ऑफ लॉ, द मेकिंग ऑफ लॉ, या फिर आप वैसे बोल सकते हो लेजिस्लेशन मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर। दोनों चीज आप बोल सकते हो, ठीक है। लेगिस लेटम का मतलब क्या होता है? लेगिस लेटम मीन्स कोई आपसे पूछे द मेकिंग ऑफ लॉ। इसका मीनिंग क्या हो गया सर? द मेकिंग ऑफ लॉ। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमारे देश में जो लॉ मेकिंग बॉडी होता है, जो लॉ को बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं सर? हम लोग उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, और उसी को हम लोग एक वर्ड बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, या फिर आप उसको बोल सकते हो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। आप इसको ध्यान रखना, इंडिया में ये जो लॉ मेकिंग बॉडी है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेशन मीनिंग कोई पूछे आपसे, तो बोलना द मेकिंग ऑफ लॉ, या फिर आप ये बोल सकते हो लेजिस्लेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। लेजिस्लेशन को आप ये भी बोल सकते हो, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। चलो, ये आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। लॉ मेकिंग, मेकिंग ऑफ लॉ, बहुत इजी है ये। अब ये जो वर्ड आप लेजिस्लेशन देख रहे हो ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आप जब सोर्स ऑफ लॉ पढ़ रहे थे, जाकर प्ले लिस्ट देखो, वहां पे सोर्स ऑफ लॉ है। सोर्स ऑफ लॉ में आपने क्या पढ़ा था? लॉ का ओरिजिन। सोर्स मींस क्या होता है? ओरिजिन। ये लॉ आया कहां से? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, जैसे यमुना है ना, यमुनोत्री से ये यमुना रिवर निकला है। ये जो यमुना रिवर आप यहां पर देख रहे हो, कहां से निकला है? ये यमुनोत्री से, यमुनोत्री से यमुना रिवर निकला है। सेम उसी तरह से गंगोत्री से गंगा रिवर का ओरिजिन हुआ, यहां से गंगोत्री से गंगा निकला है। तो सेम उसी तरह से कस्टम से, रीति रिवाज से भी कानून बना है, रीति रिवाज से भी लॉ का ओरिजिन हुआ है। उसी तरह से लेजिस्लेशन से भी, लेजिस्लेशन से भी किसका ओरिजिन हुआ है सर? लॉ का। बस इसको आप ध्यान रखना, लॉ का भी ओरिजिन किससे होता है? आप तो ये तो पढ़ ही चुके हो, कस्टम से होता है, लेजिस्लेशन से होता है, प्रेसिडेंट से होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेशन, और बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ किसको बोला जाता है?
लेगिसलेशन को, बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ बोला जाता है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग टॉपिक में चल रहे हैं अपना, लेगिसलेशन सोर्स ऑफ लॉ। आपने ये भी पढ़ लिया लॉ का ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है, कस्टम लेगिसलेशन एंड प्रेसिडेंट से। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, चलो मैं रेड पेन ले लेता हूँ। यहाँ आप देखो, आप यहाँ पे क्या देख रहे होगे, यहाँ पे एक बॉडी ऑफ रूल्स है, सेट्स ऑफ रूल्स आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। और ये सेट्स ऑफ रूल कौन पास करता है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। आप देखे थे ना, ये देखो ये क्या है, लॉ, सेट्स ऑफ, अभी के इसको समझो आप, सेट्स ऑफ, ये सेट्स ऑफ रूल है, यहाँ देखो बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, ये बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन है, इसको पास कौन किया है सर, ये नीचे देखो पार्लियामेंट का पिक्चर दिख रहा है ना आपको, ये पार्लियामेंट है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के द्वारा क्या हुआ है सर, ये पार्लियामेंट, आपको पता है ना हमारे देश में लॉ मेकिंग बॉडी होता है, और लॉ मेकिंग बॉडी को हम लोग क्या क्या बुला सकते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी को हम लोग क्या सब बुला सकते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, लॉ मेकिंग बॉडी को हम लोग लेजिस्लेचर बोल सकते हैं, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बोल सकते हैं, एंड लेजिस्लेटिव बॉडी भी बोल सकते हैं। तो यहां पर देखो, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, है ना, एक सेकेंड, देखो जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं ना, देखो बहुत मेहनत लग रहा है, अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, देखो यहाँ कितना हो रहा है, 1:07 हो रहा है। देखो मैं रात के 1:07 में आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, बहुत मुश्किल से टाइम निकलती है, कोर्ट टूट जाना होता है, बहुत सारा केस होता है, कंसल्टेंसी होता है, बहुत काम होता है, उसके बीच में भी मैं अपना टाइम जैसे तैसे निकाल के मैनेज करके मैं वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, डीएम्स आते हैं कि सर आप ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ाओ, टफ लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है आपका ज्यूरिसप्रूडेंस। तो मैंने सोचा कि चलो यार ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ाता हूँ बच्चों को, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। तो हाँ, आपने यहाँ पे क्या देखा, चलते फिर से बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे देखा आपने क्या है सर, यहाँ पे रूल्स बहुत सारा है, यहाँ पे है ना बॉडी ऑफ रूल्स है, और ये बॉडी ऑफ रूल्स कहाँ से पास होता है सर, ये बॉडी ऑफ रूल्स, ये सर लेजिस्लेचर, सभी आप जस्ट देखा था, ये क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है ना, लॉ मेकिंग बॉडी है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेजिस्लेशन क्या होता है सर, लेजिस्लेशन रूल होता है, बॉडी ऑफ रूल होता है, जो किसके द्वारा पास करा जाता है, लेजिस्लेचर के द्वारा, किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा। और हम लोग क्या पढ़े थे, लेजिस्लेशन जो होता है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, इसको क्या कंसिडर करते हैं हम लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है, देखो ये है लेजिस्लेशन, ये रहा लेजिस्लेशन, और यहाँ से किसका ओरिजिन हो रहा है, लॉ का। तो आपने क्या देखा, लेजिस्लेशन से सर लॉ का ओरिजिन होता है, जैसे गंगोत्री से गंगा का ओरिजिन होता है ना, जैसे यमुनोत्री से यमुना का ओरिजिन होता है ना, यमुनोत्री से यमुना निकलता है, उसी तरह से लेजिस्लेशन से, ये जो लेजिस्लेशन आप देख रहे हो, इस लेजिस्लेशन से भी किसका ओरिजिन हुआ है सर, किसका ओरिजिन, ये देखो यहाँ देखो, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ लिए सर, लेजिस्लेशन से लॉ का ओरिजिन होता है। देखो यह एक बहुत अच्छा पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लगाया, जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। लेजिस्लेशन मींस सिंपल समझ आए, यदि आपको समझ में नहीं आए ना, आप इसको कैसे इजिली याद रख सकते हो, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, लेजिस्लेशन का मीनिंग आप ध्यान में रख लेना, एक्ट, इनएक्टमेंट। अच्छा देखो, एक्ट और इनएक्टमेंट कौन पास करता है, लेजिस्लेचर करता है, और क्यों पास करा जाता है, हम ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर होता है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो लेजिस्लेशन अभी के लिए आप बस ध्यान में देखो, कोई आपसे पूछे लेजिस्लेशन का क्या मतलब है, तो आपको बोलना है एक्ट। लेजिस्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग
वेयर ए कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इज गिवन द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग एंड इनेक्टिंग लॉ इन द स्टेट। देखो कितना अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है। लेजिस्लेशन क्या होता है सर? ये लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पे जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी होता है, जिनको कि टास्क दिया जाता है कि भैया आप लॉ को ड्राफ्ट करो और स्टेट में लॉ को इनैक्ट करो। तो लेजिस्लेशन कुछ भी नहीं है, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग है, जहां पे जो कंपोनेंट और सॉरी कंपोनेंट कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी जो होता है उसको एक टास्क दे दिया। मान लो कि इस कंट्री में मैं पार्लियामेंट हूं, मैं एक कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी हूं जो कि लॉ मेकिंग करेगा, और मुझे क्या टास्क मिला है कि पहला मैं लॉ को ड्राफ्ट करूंगा, दूसरा मैं स्टेट में लॉ को इनैक्ट करूंगा। तो ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है इसी को बोलते हैं लेजिस्लेशन। और एक चीज ध्यान रखना, लेजिस्लेशन तो आपको पता है सोर्स ऑफ लॉ है ना। लेजिस्लेशन क्या है सर? सोर्स ऑफ लॉ। और लेजिस्लेशन ही वनली ऐसा सोर्स ऑफ लॉ है जहां पे पावर होता है लॉ को इनैक्ट करने का और लॉ को रिपील्ड करने का, खत्म करने का। जो मान लो पुराना कोई लॉज है, लेजिस्लेशन क्या कर सकता है? उस लॉ को खत्म कर सकता है और नया लॉ ला सकता है। तो ये ध्यान रखना, लेजिस्लेशन आपको पता है लेजिस्लेशन क्या है? सोर्स ऑफ लॉ। यही सिर्फ एक ऐसा सोर्स ऑफ लॉ है जिसके पास पावर है लॉ को इनैक्ट करने का और जो पुराना लॉज है उसको रिपील्ड करने का। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेशन का डिफिनेशन पढ़ेंगे। बहुत सारा जूरिस्ट के द्वारा ये बताया गया है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा एग्जामिनेशन में जाने से पहले हो सके तो 2-3 बार आप डिफिनेशन को देख लेना, जो आपको हेल्प करेगा जब भी आप एग्जाम दोगे ना वहाँ पे मीनिंग लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना, फिर मीनिंग लिखना है, फिर डिफिनेशन लिखना, फिर काइंड्स लिखना, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना। तो ये एक प्रोसेस जब फॉलो करोगे ना आप, तो आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा और आपको अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 3 जूरिस्ट है, सैलमोंट, ऑस्टिन एंड ग्रे। सबके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट ये लोग अपने हिसाब से बोले और मीनिंग लगभग थोड़ा थोड़ा सेम ही होता है। लेजिस्लेशन मतलब सब में देखना आप, सुपीरियर ऑथोरिटी की बात करी गई है, सॉवरेन का बात करा जाएगा, रूल्स रेगुलेशन, और देखो यहाँ भी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है। तो सारे लोग ये लोग यही बात करते हैं कि लेजिस्लेशन क्या है? एक लॉ मेकिंग प्रोसेस है जहाँ पे कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी को ये टास्क दिया जाता है लॉ को इनैक्ट करने का या फिर लॉ को रिबिल्ड करने का। उस डेफिनेशन को आप लोग देख रहे हैं। अब लोग डायरेक्ट चलते हैं काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन में। चलो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन। तो नाम से क्लियर है ना, यहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लेजिस्लेशन का सर काइंड। और इसमें पहला क्या है? सुप्रीम। इसमें पहला क्या है सर? सुप्रीम। देखो नाम से क्लियर है, कैसा लेजिस्लेशन? सुप्रीम लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन नाम से ही क्लियर है। ये वैसा लेजिस्लेशन होगा जो किसके द्वारा बनाया जाता होगा? सुप्रीम ऑथोरिटी। किसके द्वारा बनाया जाता होगा? सिंपल सी बात है, सुप्रीम लेजिस्लेशन किसको बोलेंगे? मान लो ये लेजिस्लेशन है, ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? यदि ये लेजिस्लेशन मान लो ये लेजिस्लेशन है और ये सुप्रीम ऑथोरिटी है, सुप्रीम ऑथोरिटी के द्वारा जो लेजिस्लेशन बनाया जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन। सिंपल है। और एक बार बताओ, ये जो ऑथोरिटी है क्या किसी के द्वारा कंट्रोल करा जाएगा? किसी और बॉडी के द्वारा कंट्रोल करा जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं करा जाएगा, क्योंकि तो सुप्रीम है ना, सबसे बड़ा तो यही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पार्लियामेंट। हमारे देश में पार्लियामेंट सुप्रीम ऑथोरिटी होता है, सबसे सुपीरियर ऑथोरिटी होता है लॉ मेकिंग के लिए। लॉ किसके द्वारा बनाया जाता है हमारे देश में? सबसे सुपीरियर कौन होते हैं? सबसे सुपीरियर हमारे देश में पार्लियामेंट होते हैं। तो पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लेजिस्लेशन बनाया जाएगा उस लेजिस्लेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सुप्रीम लेजिस्लेशन। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। देखो ये नाम से क्लियर है, सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट है तो किसी न किसी का ऑर्डिनेट होगा। मान लो मैं क्या एग्जाम्पल दूं आपको, ये फोन कह लेता हूं। मान लो जैसे मान लो ये ना मान लो ये एक और कुछ ले लेता हूँ मैं, क्या ले लूँ, चलो एक और फोन ले लेता हूँ मैं, क्या ले लूँ मैं, एक दो फोन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अरे दो फोन, देखो सपोज कर लो ये ना सुप्रीम ऑथोरिटी है, ये इसका
ओहो, देखो बड़े भाई छोटे भाई लग भी रहेंगे। देखो ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। तो ये देखो, ये मान लो सुप्रीम अथॉरिटी है, सबसे बड़ा अथॉरिटी है देश में, लॉ मेकिंग का सबसे बड़ा अथॉरिटी है, ठीक है। ये लेजिस्लेशन, अब देखो हम लोग क्या क्या पढ़ना है, सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन किसको बोलते हैं, वैसा लेजिस्लेशन जो किसके द्वारा बनता हो, सुप्रीम अथॉरिटी, किसके द्वारा, सुप्रीम अथॉरिटी। देखो ये सुप्रीम अथॉरिटी के अलावा कुछ और भी तो होंगे जो कानून को बनाते होंगे, लेजिस्लेशन को बनाते होंगे, और भी तो अथॉरिटी होता होगा। जैसे कि मान लो एक अथॉरिटी ये है, एक अथॉरिटी ये है, आपने पहले क्या पढ़ा, ये है सुप्रीम, ये है सुप्रीम अथॉरिटी पार्लियामेंट, उसके अलावा ये है उससे छोटा, सुप्रीम से छोटा है, सुप्रीम अथॉरिटी से ये अथॉरिटी थोड़ा सा छोटा है उसके अलावा, ठीक है। तो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन किसके द्वारा बनाया जाता है, इसके द्वारा नहीं बनाया जाएगा, सुप्रीम के द्वारा नहीं, अदर देन सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी के अलावा जिससे के द्वारा लॉ बनाया जाएगा, सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा नहीं, ध्यान रखना यहां पे, अदर देन सुप्रीम अथॉरिटी जो लेजिस्लेशन बनाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ध्यान रखना आप उसको, ठीक है। ये आपने पढ़ा था सुप्रीम लेजिस्लेशन, ये कैसा लेजिस्लेशन सर, ये हो गया सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। दोनों फोन के एग्जाम्पल्स आप समझ गए होंगे। हाँ देखो, जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होगा ना, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है ये किस पे डिपेंडेंट होगा, ये सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है ये किस पे डिपेंडेंट होगा, अभी जस्ट आपने दो अथॉरिटी देखा था, ये सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है ये डिपेंड किस पे, यदि इसको कंटिन्यू करना है, इसका वैलिडिटी चेक करना है, इसको ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसको किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, ये डिपेंड होगा, ये किस पे डिपेंड होगा, आपको दिमाग लगाओ, ये डिपेंड होगा सर सुप्रीम अथॉरिटी पे, किस पे डिपेंड होगा, सुप्रीम अथॉरिटी पे। आई होप आपको काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन समझ में आया हो, सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट। सुप्रीम लेजिस्लेशन किसको बोलेंगे, जो कि हायर हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा जो लेजिस्लेशन बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन, और अदर देन सुप्रीम लेजिस्लेशन, सॉरी अदर देन सुप्रीम अथॉरिटी, जिस भी अथॉरिटी के द्वारा लॉ बनाया जाएगा, जिस भी अथॉरिटी के द्वारा अदर देन सुप्रीम अथॉरिटी लेजिस्लेशन बनाया जाएगा उस लेजिस्लेशन को हम लोग बोलेंगे सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो आपने अभी पढ़ा ना सब ऑर्डिनेट, इस सब ऑर्डिनेट में भी हम लोग क्या करेंगे सर, इस सब ऑर्डिनेट में भी हम लोग क्या करेंगे, काइंड इसमें भी हम लोग कैटेगराइज कर देंगे, इसमें भी हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूनसिपल लेजिस्लेशन, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर म्यूनसिपल लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, कोनोलकन, ऑटोनोमस एंड जुडिशियल लेजिस्लेशन। देखो सबसे पहला है म्यूनसिपल लेजिस्लेशन, म्यूनसिपल लेजिस्लेशन नाम से क्लियर है, म्यूनसिपैलिटी आप लोग जानते हो ना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जानते हो ना। इसे एक बात बताओ, ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन लोगों को डे टू डे गवर्नेंस करने के लिए, इन लोगों को गवर्नेंस करने के लिए कुछ ना कुछ लॉस तो बनाता पड़ता होगा ना। तो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज जो होती होगी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अथॉरिटीज होती होगी उनको एक लिमिटेड पावर दिया गया है, इन केस यदि आपके गवर्नेंस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ये मैं सारे म्यूनिसिपैलिटी पंचायत की बात कर रहा हूँ, यदि उनको गवर्नेंस में कोई प्रॉब्लम आता है तो उस केस में उनके पास एक लिमिटेड पावर होता है, यदि आपको नीड है, आपको लगता है जरूरत है लॉ बनाने का, लेजिस्लेशन बनाने का, तो आप लेजिस्लेशन बना सकते हो, आप लॉ बना सकते हो, देख रहे हो ना, म्यूनिसिपल भी लॉ बना सकता है। तो म्यूनिसिपल के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है, म्यूनिसिपल के द्वारा जो लेजिस्लेशन बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन, और उसको हम लोग बाय लॉज भी बोलते हैं। बहुत सिंपल है, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के द्वारा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी के अथॉरिटीज के द्वारा जो लॉज बनाया जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन, सिंपल। लेकिन इनको एक लिमिटेड पावर दिया जाता है, ये बस कोई इसमें बड़ा बात नहीं है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, नाम से ही क्लियर है ना, ये लेजिस्लेशन कोई लेजिस्लेशन किसके द्वारा बनाया जाएगा, लॉज किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव, नाम से ही क्लियर है, देखो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, तो लेजिस्लेशन किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाया जाएगा, किस अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाएगा सर,
एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी के द्वारा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन बनाया जाएगा। सिंपल, आपको पता है ना लॉ मेकिंग पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट क्या करता है, कुछ सर्टेन लेजिस्लेटिव पावर किसको डेलीगेट्स कर देता है? एग्जीक्यूटिव को। पार्लियामेंट के पास पता है ना लॉ मेकिंग पावर होता है, लेकिन पार्लियामेंट क्या करता है, कुछ पावर किसको दे देता है? एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी को, कि जब भी नीड पड़ेगा उस केस में। अच्छा एक बात बताओ, हमेशा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है? जैसे अभी मान लो कोई एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई अभी मान लो कोई वायरस फैल गया, तो क्या पार्लियामेंट अभी लॉ बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। तो पार्लियामेंट का क्या कहना, पार्लियामेंट क्या करता है, कुछ अपना जो लेजिस्लेटिव पावर होता है ना लॉ बनाने का पावर, किसको दे देते हैं ये लोग? एग्जीक्यूटिव को। भैया जब तुमको नीड हो तुम लॉज बना लो। और ये एग्जीक्यूटिव जो लॉज बनाएंगे ना, इनके द्वारा जो लेजिस्लेशन बनेगा, उस लेजिस्लेशन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। नाम से क्लियर है। नेक्स्ट है कॉलोनियल लेजिस्लेशन। देखो ये भी नाम से क्लियर है, लेजिस्लेशन किसके द्वारा बनाया गया होगा? कॉलोनियल पीरियड में। अच्छा कॉलोनियल पीरियड में हम लोग किसके अंडर थे बताओ? बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 से पहले हम लोग किसके, हम लोग कॉलोनी थे। किसके कॉलोनी थे? ब्रिटिश के। तो कॉलोनियल पीरियड टाइम में हम लोग पे किसका रूल था? ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश के द्वारा कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा जो हमारे यहाँ कुछ लॉज बनाया जाता था, ब्रिटिश के द्वारा जो लेजिस्लेशन बनाया जाता था, जब हम लोग कॉलोनी में थे बिफोर इंडिपेंडेंस, उस लेजिस्लेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलोनियल लेजिस्लेशन। क्यों किसको कॉलोनियल लेजिस्लेशन बोलते हैं सर? क्योंकि ये बिफोर इंडिपेंडेंस जब हम लोग कॉलोनी थे ब्रिटिश के, उस टाइम पे ब्रिटिश ऑथोरिटी के द्वारा ये लेजिस्लेशन बनाया गया था। बहुत सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑटोनोमस। देखो नाम से ऑटोनोमस मतलब क्या होता है? सेल्फ रूल। खैर तो ऑटोनोमस मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी का मैं एग्जांपल लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस होता है। यूनिवर्सिटी जब भी चाहे अपने लिए कोई लॉज, नियम, कानून, लेजिस्लेशन बना सकता है। तो जो ऑटोनोमस ऑथोरिटी, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, बहुत सारा कॉरपोरेशन होते हैं, ठीक है, बहुत सारा कंपनीज होता है जो कि ऑटोनोमस बॉडी होता है। तो एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी का ले लो, तो यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, ये लोग खुद से लॉज बनाते हैं, ठीक है, लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे किसके द्वारा लेजिस्लेशन बनाया गया? यूनिवर्सिटी के द्वारा। किसके द्वारा लेजिस्लेशन बनाया गया? लेजिस्लेशन किसके द्वारा लेजिस्लेशन बनाया गया है? यूनिवर्सिटी के द्वारा। और यूनिवर्सिटी कैसा है? ऑटोनोमस। तो जब कोई ऑटोनोमस बॉडीज लेजिस्लेशन पास करेगी ना, जब कोई ऑटोनोमस बॉडीज लेजिस्लेशन बनाएगी, लेजिस्लेशन को पास करेगी, तो उस लेजिस्लेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है जुडिशियल लेजिस्लेशन। यहां देखो नेक्स्ट जुडिशियल लेजिस्लेशन, नाम से ही क्लियर है ना कि यहां पे जुडिशरी को भी कुछ पावर मिला हुआ होगा। नाम से ही क्लियर है, यहाँ कुछ पावर किसको मिला हुआ होगा? जुडिशरी को। जुडिशरी को क्या पावर मिला हुआ? लेजिस्लेशन, है ना। तो जुडिशरी के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा, जुडिशरी के द्वारा जो लेजिस्लेशन बनाया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जुडिशियल लेजिस्लेशन। अब यहाँ छोटा सोचने वाली बात यह है कि जुडिशरी लॉ क्यों बनाएगी? आप बोल रहे हो सर जुडिशरी को पावर दे दिया जाता है कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए, तो क्यों? देखो कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, जुडिशरी प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स बनाती है, तो वो जो रूल्स बनाती है उसको भी क्या बोलोगे आप? उसको क्या बोलोगे? उसको भी तो आप लेजिस्लेशन ही बोलोगे ना। तो जुडिशरी प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए जो कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस लेजिस्लेशन को हम लोग बोलते हैं जुडिशियल लेजिस्लेशन। तो आप ध्यान रखना, जुडिशरी को भी पावर दिया गया है रूल्स रेगुलेशन बनाने का। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो जुडिशियल प्रोसीडिंग कैसे होगा, उस ये सब से रिलेटेड जो कोर्ट्स होती है वो लॉज बनाती है, और उस लॉज को, उस लेजिस्लेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? जुडिशियल लेजिस्लेशन। अब हम लोग चढ़ने वाले हैं एडवांस एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लेजिस्लेशन। मैं इसको एकदम स्पीड में निकलूंगा, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाकर पढ़ना। इसमें कुछ नहीं है, आप पहले सबसे पहले पढ़ने वाले हो कि लेजिस्लेशन बेस्ट होता है, मोस्ट रिलेबल सोर्स ऑफ
लॉ होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, रिजिड एप्लीकेबल है इस प्रक्रिया सब कुछ भी नहीं, मॉडर्न स्टेट बहुत जहां। हाँ ये अच्छा पॉइंट है, आज के टाइम में आप मैक्सिमम जो स्टेट देखोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है लेजिस्लेशन को, पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एज कंपेयर टू कस्टम से लॉ आया हो या फिर प्रेसिडेंट से आया हो। तो आज के टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंस दो को ही मिलता है, लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट को। इसके बाद नेक्स्ट है लेजिस्लेशन मेक्स न्यूज लॉ टू द सोसाइटी, लेजिस्लेशन नया लॉज बनाता है सोसाइटी को, बहुत ही इसमें कुछ नहीं है, सोशल कंट्रोल होता है लेजिस्लेशन से, फिर डिसएडवांटेज देख लेना लेजिस्लेशन की वजह से अमेंडमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, अमेंडमेंट होगा तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट का पॉसिबिलिटीज बढ़ जाता है, यही है। इसके बाद नेक्स्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बहुत ईजी है ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसमें देखो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को आप अभी के लिए समझ लो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। आपने सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में क्या पढ़ा था कि सबसे जो सुप्रीम अथॉरिटी होता है, सुप्रीम अथॉरिटी के अलावा जो भी अथॉरिटी लॉ बनाती है, सुप्रीम अथॉरिटी के अलावा जो भी लेजिस्लेशन बनता है, सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा जो लेजिस्लेशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन, अदर देन सुप्रीम अथॉरिटी जो भी लेजिस्लेशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये तो आपको पता है। सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को आप एक और वर्ड बोल सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेशन, क्या बोल सकते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेशन, कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखो इसमें क्या होता है, बहुत इजी है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में एक बात बताओ मुझे, लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? पार्लियामेंट, पता ना आप लोगों को, इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? पार्लियामेंट। तो क्या अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, क्या पार्लियामेंट हमेशा हर एक जगह लॉज बना सकती है, हर एक टाइम हर एक केस में लॉज बना सकती है पार्लियामेंट? नहीं बना सकती। एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट में मान लो अभी कोई वायरस फैल गया, तो क्या पार्लियामेंट लॉज बनाएगी उसके लिए? पॉसिबल है? नहीं। तो पार्लियामेंट क्या करती है, अपना जो कुछ लॉ बनाने का पावर है, पार्लियामेंट के पास जो लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर कुछ अपना पावर ही किसको डेलीगेट कर देते हैं ये लोग, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो यूपीएससी पास करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं ना, आप देखना कभी कभी लोग गर्मी का छुट्टी दे देते हैं, 5 दिन तक जिला बंद कर देते हैं, तो ये कैसे कर देते हैं? इसी वजह से कर देते हैं, बहुत सिंपल। आप ये ध्यान रखना, जो पार्लियामेंट होता है, जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होता है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होता है ना, उसके लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हर एक केस में वो लॉ पास करे। तो इस केस में वो क्या करता है, कुछ लॉ मेकिंग पावर को वो क्या करता है सर, डेलीगेट कर देता है, डेलीगेट कर देता है, क्या कर देता है, डेलीगेट कर देता है किसके पास, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलो यहाँ थोड़ा डेफिनेशन भी है, डेलीगेट ऑथर, यहाँ देखो डेलीगेट लेजिस्लेशन मे बी डिफाइन एज द लेजिस्लेशन मेड बाय द ऑथोरिटी अदर देन लेजिस्लेचर। अभी बताया मैंने, लेजिस्लेचर के अलावा जो भी ऑथोरिटी लॉ बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। चलो यदि आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, किसी भी तरह का आप मुझे हेल्प करना चाहते हो, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर अपना फ़ोन नंबर दो, तो मैंने सोचा कि चलो यार फ़ोन पे नंबर देने से बढ़िया कि मैं यहाँ UPI ID लगा देता हूँ, आप मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी भी तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बहुत लोग बोल रहे थे इसलिए मैंने चलो यार मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा ये। तो आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मुझे हेल्प करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो लॉ पढ़ने में, तो आप मुझे यहाँ पे, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। और भी किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे आप देखो, ये मेरा आपको इंस्टाग्राम है, उसके बाद फेसबुक है, ये मेरा ईमेल है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी तरह का दिक्कत हो आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप ऐसे ही और आगे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और हो सके तो कमेंट भी डाल दो यार। बाय बाय, फिर कल मिलते हैं। देखो अभी रात के बज रहे हैं 1:47, तो प्लीज़ आप लोग देखो कि कितना सर आपके मेहनत कर रहा है, फिर भी लाइक कमेंट नहीं करते यार, तो फील नहीं आता है। चलो बाय बाय।